हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं डिवाइड एंड रूल की वीडियो। उस बार जो मैंने पिछली डिवाइड की वीडियो बनाई थी उसमें हमें आपसे बहुत प्यार मिला, तो अब हम फिर से आपके लिए एक डिवाइड की वीडियो लेकर के आए हैं कि हम आपको अच्छी तरीके से और डिवाइड समझा सकें। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक मनीष है और एक रजनीश है। उनकी जो मम्मी है वो उन्हें 10 चॉकलेट्स दी और बोली कि इसे बराबर बराबर दोनों बांट लेना। तो मतलब बराबर बराबर कितनी चॉकलेट मिलेगी? 10 चॉकलेट थी तो 5 रजनीश को मिलेगी और 5 मनीष को मिलेगी। मतलब किसी संख्या को किसी एक संख्या से बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो अब हमें 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं 10, 2। तो हम 1 डिजिट को देखेंगे, हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 डिजिट अगर 2 से छोटा हो, 1 डिजिट तो 1 है, तो जो 2 से अगर छोटा हो तो 1 डिजिट से हमारा डिवाइड नहीं होता, अगर बड़ा होता तो हमारा 1 डिजिट से डिवाइड हो जाता। तो अब हम 2 डिजिट को देखेंगे, 2 डिजिट 10 है, मतलब कि 2 से 10 बड़ा है, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो या तो 10 आए, 10 से कम आए। तो चलिए हम टेबल पढ़ते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। अरे तो ज़्यादा हो गया? नहीं, तो इसका मतलब 2 5 जा लेंगे, 2 5 10 2 5 10। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 5। तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब हमें 96 को 8 से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो अब हम 1 डिजिट को देखेंगे, 1 डिजिट 8 से तो बड़ा है, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, या तो 9 आए या तो 9 से कम आए। तो 8 1 जाए 8 8 2 जाए 16। अरे तो ज़्यादा हो गया? नहीं, इसका मतलब हम 8 1 जाए लेंगे 8 1 जा 8 8 1 जा 8। तो अब हम माइनस करेंगे तो 9 में जाएगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ हम उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 16 आए तो 16 से कम आए, ज़्यादा ना हो 16 से। 8 1 जाए 8 8 2 जाए 16 8 3 जाए 24। ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 8 2 जा लेंगे 8 2 जा 16 8 2 जा 16। अब हम माइनस करेंगे, कट, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर रहेगा 12। हमें डिवाइड करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो उस नंबर से मान लीजिए हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम आया तो उसका इक्वल आए, नहीं तो माइनस नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमें 57 को 3 से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। हमें डिवाइड करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट है अगर उससे डिवाइड नहीं होता है तभी हम 2 डिजिट को देखते हैं। तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट तो 3 से बड़ा है, इसका मतलब 1 डिजिट से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिजिट हमारा 5 है तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमें टेबल पढ़ना पड़ता है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अरे ये तो ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 3 1 जा 3 पढ़ेंगे, 3 1 जा 3। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, तो चलिए अब हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो अब हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो, 27 से कम आए। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27। तो 3 9 जा 27, तो डिवाइड मतलब माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 19। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमें 91 को 7 से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं।
तो अब हम वन डिजिट को पहले देखेंगे। 7 से जो 9 है वो तो बड़ा है, इसका मतलब वन डिजिट से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम टेबल पढ़ेंगे। 7 1 7, 7 2 14, ज़्यादा हो गया इसलिए हम 1 जलेंगे। 7 1 7, अब हम इसके लिए माइनस करेंगे। तो जब हम 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2। तो अब हम 1 को यहाँ उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम टेबल पढ़ेंगे 21 हो जाएगा। तो अब हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 21 से ज़्यादा ना हो या 21 आए, 21 से कम आए। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, अरे तो ज़्यादा हो गया। 7 3 21, 3 जाई लेंगे, 7 3 21। तब हम माइनस करेंगे तो हमारा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 13 आंसर। तो हमें डिवाइड करते समय कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि हम जिसे भी डिवाइड कर रहे हैं हमें ऐसा ही टेबल पढ़ना चाहिए कि उससे ज़्यादा ना हो या तो इक्वल आए या फिर उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना माइनस नहीं होगा। तो ये जो आप सवाल लगाए हैं ये सही है कि गलत है, इसको जानने के लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो आप लगाए हैं ये सही है कि गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।